शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नहीं राजू। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ना कह रही हूँ। आज तुम्हारा राजू ना नहीं सुनेगा। मेरे पास आ जाओ। मैं ना कह रही और तुम सुन नहीं रहे हो। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। ये तुम क्या कह रही हो सुरु? कोई भूल हो गई मुझसे? कोई गलती हो गई मुझसे? बताओ ना सुरु। राजू मुझे अकेला छोड़ दो बस। तुम्हें अकेला छोड़ दो, वो भी आज की रात? आखिर क्यों सुरु? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। नहीं सुरु, तुम्हें इस कमरे से जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चला जाता हूं। मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है सुरु, किस बात की सजा दे रही हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अपने पति होने का हक जताने मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा सुरु। तुम्हारे आगे तो तोता राम भी सर झुकाता है। क्या राजनीति खेली है। तुम किसी नेता से कम नहीं बहना, तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में। राजू की मौत का झूठा डर निकाल कर तुमने उसे ऐसा फांसा है कि तुम्हारे कहने में आकर वो खुद ही अपनी सुहाग की सेज में आग लगा बैठी। अब इस आग में घी डालती जाओ बहना, और ऐसा चक्कर चलाओ कि चार दिन के अंदर ये लड़की घर छोड़कर भाग जाए। अपना काम तो हो गया, अब चलो चलकर चैन की नींद सोते हैं। क्या सास हो तुम। अभी तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में जितना भी घी है आग में डालते जाना। मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। क्या बात है, आज बहुत प्यार बरस रहा है। आज मौसम ही कुछ ऐसा है। क्या कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है मेरा मैनू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे आंगन में भी कोई फूल खिले। इतने सारे फूल खिले हैं यहाँ, और कितने चाहिए तुम्हें? मैं इन फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? मैं तो उन फूलों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे आंगन में खिलेंगे। जवानी में तो तुमसे कोई फूल खिला नहीं, इस उम्र में क्या खिलाओगे? जब देखो हंसती रहती है, मटकती रहती है। मटक नहीं रही हूँ, बाजार गई थी सब्जी लाने। जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाती हूँ। मैनावती दे दे मुझे, दे दे। ये लो, तुमने सब्जी मंगवाई थी ना, ये लौकी, ये गोभी, ये। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, रोको, क्या पकना है? अरे मेरे पांडू जी, आज बहुत उखड़े हुए लग रहे हो। उखड़ू नहीं तो क्या करूँ? तुझे मालूम है चंपा, कल तो राजू भैया की सुहाग रहती, फिर भी रात भर घर के पिछवाड़ी में सो रहे थे। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सच कह रहा हूँ, अपने राजू भाई की तकदीर ही खराब है। माँ तो डाय मिली थी, बीवी मिली वो भी वैसी। लो आ गई महारानी। पांडू क्या बना रहे हो? दिखाई नहीं देता, लौकी की सब्जी बना रहा हूँ। लाओ मैं बनाती हूँ। लो बना लो। तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जिस औरत के दिल में अपने पति के लिए इज्जत नहीं, उसके लिए हमारे दिल में भी कोई इज्जत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया? कल राजू भाई की सुहाग रात थी, फिर भी वो घर के पिछवाड़ी में अकेले सो रहे थे, क्यों जवाब दो। अरे आप उसे अपने लायक नहीं समझती थी तो ये शादी क्यों की? कौन कहता है कि मैं उन्हें अपने लायक नहीं समझती। सच तो ये है कि मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। तो फिर जो सुना था वो सब? वो सब झूठ था। तुम नहीं जानते, इस घर के बुजुर्ग अपने स्वार्थ के लिए मुझे और राजू को अलग कर देना चाहते हैं।
तोड़ देना चाहते हैं हमारी शादी, मगर मैं उनकी आरजू कभी पूरी नहीं होने दूंगी। जरा सोचो, जिसने मेरे मान सम्मान की रक्षा की, पिताजी को समाज के सामने जलील होने से बचाया, क्या उसका सम्मान मैं नहीं करूंगी? तुम नहीं जानते पांडु, मेरे दिल में उनके लिए कितनी जगह है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अपने जूते निकालकर मेरे सर पे मार दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ओ पांडु, आना लेकर आ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। मर जाओ, आता हूं। पेट है कि पेटा रहा, इतना खाते फिर भी पेट नहीं भरता। चंपा एक काम कर, पहले बाबूजी को खाना खिलाओ, बाद में इन बुक्कड़ों को दाना डालेंगे। ठीक है। ये क्या है, बाबूजी के लिए ये खाना जाता है? क्या करूं भाभी, अपनी भी जान जलती है, लेकिन उस चांडाल चौकड़िया में। परवाह तुम मत करो, आज से बाबूजी के लिए खाना मैं लेकर जाऊंगी। हाँ बाबूजी, घर के सब लोग खाना खाएं और घर का मालिक ही भूखा रहे, अच्छा नहीं लगता। चलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बैठिए। साल से मैं इसी प्यार और सहानुभूति के लिए तरस गया था, इसी प्यार के दीवाने का भूखा था मैं। एक बात पूछूं बाबूजी, इस घर में इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है, कोई इसे रोकता क्यों नहीं? अकेले मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जवाब में मेरी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे पागल करार दिलवा दिया, मुझे इस नरक में मर जाने के लिए छोड़ दिया। राजू के लिए एक माँ लाना चाहता था, लेकिन आ गई एक लाकिन, उसने मेरे राजू को पढ़ने लिखने नहीं दिया, एक गवार बनाए रखा ताकि वो उसका फायदा उठा सके। मेरा राजू उस नागिन को देवी समझता है, उसकी पूजा करता है। इससे पहले कि वो नागिन उसे डस ले, मेरे राजू को बचा लो बहू, मेरे राजू को बचा लो। अरे गौरी रानी, जरा ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो। कहाँ रखो? अरे मेरे सर पर रख दे। ये देखो, ये देखो, अगर इस साल की फसल ठीक नहीं हुई तो मैं अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देख के बच्चे, सर पर रखने का बोला था, रखने को। चल अरे क्या बात है राजू भैया, आज बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो, लगते हैं रात भर सोए नहीं। चलो तुम लोग बकबक बंद करो, अपना अपना काम करो। काम ही तो कर रही है। हाय दैया, राजू भैया आ गई तुम्हारी दुल्हनिया। राजू भैया क्या जादू कर दिया कि रात में जो बहू रानी दिन में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना वहाँ झोपड़ी में चलकर कहो, चलो। झोपड़ी में लेके जा रहे? देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो। सुन चुका हूँ, वही जो तुमने मेले में कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो किसी राजकुमार से, मुझ जैसे लंगूर से नहीं। अरे लेकिन सुरू, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैंने तुम पर अपना हक जताने की कोशिश की। क्यों नहीं की? अरे ये क्या कर रही हो, शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है। तो आज ही मिलन हो जाने दो ना। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी इन हरकतों से मैं पिघल जाऊंगा? अरे मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। मान जाओ ना मेरे राजा। कभी नहीं। देखो जी, मुझे मेनका बनने पर मजबूर मत करो। देखो जी, मैं विश्वामित्र नहीं हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से पिघल जाऊंगा। अच्छा ये बात है? हाँ यही बात है। तुम
तुम क्या समझती हो तुम्हारी ये सब कुछ करने से मुझे मुझे कुछ हो जाएगा? माँ! हाँ, क्या है बेटा? देख माँ, रमेश शहर से डॉक्टरी पास करके कितनी सारी डिग्रियां लेकर आया। अच्छा माँ, जीते रहो। अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना माँ, तू खुश है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि हमारा रमेश डॉक्टर बन गया। माँ, अब रमेश पढ़ लिख तो गया, अब जल्दी से एक अच्छी लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर दो। क्यों रमेश, हम कोई लड़की ढूंढे या तेरी निगाह में कोई है? माँ वो अरे वो क्या करता है? पता ना वो लड़की कौन है, उसका घराना कैसा है, वो करती क्या है, उसका नाम क्या है? भैया उसका नाम कुनिका है, बहुत बड़े घर की लड़की है, लेकिन लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? भैया वो नए ख्यालात की लड़की है, वो चाहती है कि हमारी शादी पुराने रीति रिवाज से नहीं बल्कि कोर्ट में हो। अरे शादी कोर्ट में हो या कचहरी में हो, हमें तो बहू से मतलब है। क्यों माँ? राजू ठीक कहता है बेटा। देख माँ की मंजूरी भी मिल गई, बस अब तू घर में बहू लाने की तैयारी कर। आइए आइए। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? नहीं शोर शराबा नहीं है, ये आपके आने की खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं। शट अप यू ब्लडी सर्वेंट। अरे रमेश रमेश रमेश, तू बहू को लेकर आ गया। अरे अरे चंपा नी? चंपा जल्दी से आरती लेकर। नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी रस्में हैं, मुझे इनमें विश्वास नहीं है, मुझे तो अंदर जाके ठंडे पानी से नहाना है। चलो डाले अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बहू चलो आओ। क्या है ना कि नए ख्यालात की लड़की है। हाँ। हे भगवान, इतना लंबा सफर, मेरा तो अंग अंग टूट रहा है। आ, 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 थक गई हो तो पैर दबा दूं डार्लिंग? If you don't mind. Of course not. Oh, oh. रमेश भैया क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या जमाना आ गया, 40 साल हो गए इस देश को आजाद होके, फिर भी आज तक हमारे देश के पति जोरू के गुलाम बने हुए। सचिन है रमेश भैया। तू बकवास बंद करो, चाय पिला। ये लो, वही करने जा रहा था, आप पी लीजिए। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? कितनी बढ़िया चाय बनाई है। क्या बात कर रही है मेम साहब, मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीने के लिए गांव-गांव से लोग आते, आप उसे वाहियात कहती है। मेरे ख्याल से आपका मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, आपके पति डॉक्टर है ना, उनसे जरा चेकअप करवा लीजिए। ब्लडी सर्वेंट आपको बुला रही है जी। मैं तुझसे कह रही हूँ, दो कौड़ी के नौकर तुझसे। देखो मेम साहब, मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम है पांडव धंडव भिकाजी राव। जबान लड़ाता है, गदा कहीं का। क्या जमाना आ गया है, खुद लात मारते हो और मुझे गदा कहते हो। रमेश पांडू, ये सब क्या है? देखो ना भाभी, ये नौकर मत। मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम पांडू। सही है, अपने मालिक से इस तरह बात नहीं करते, जाओ अपना काम करो। कुनिका, तुम बाबूजी से आशीर्वाद लेकर आई? ना बाबा ना, उस पागल के कमरे में कौन जाएगा, क्या पता कहीं सर फोड़ दे या गला दबा दे। तो कुनिका, अपने ससुर के बारे में ऐसे बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है, सारी दुनिया जानती है वो पागल है। He is a bloody madman. तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? भाभी, ये जो कह रही है ठीक ही तो कह रही है ना? रमेश, बड़ी आई थी दादी माँ बनने। आइए ना बाबूजी, आइए ना। आप रुक क्यों गए? ओ, तुम नहीं जानते वो लोग। कुछ नहीं होगा, आप आइए तो। चलिए ने मुझे उस नरक में मरने के लिए छोड़ दिया था,
तुमने एक पराई होकर भी मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। चलिए बाबूजी, मंदिर चलते हैं। भाभी, ये क्या कर रही हो? आपका दिमाग तो ठीक है? इस पागल को घर में खुला छोड़ देना उतना ही खतरनाक है जितना एक जंगली जानवर को। हाँ भैया, इस घर में भेड़िए तो खुले आम घूमते हैं और गाय को बांध के रखा जाता है। Shut up, you! अब शब फाशु, अब शब फुशु, डैम फुल बकरी बैं करती है। देखो मेम साहब, अंग्रेजी में गाली देना हमें भी आता है, लेकिन हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और इस देश में बहू अपने सास ससुर के सामने सर पर पल्लू डाल के रहती है। तुम्हारी तरह नहीं, नंगी पुंगी घूमती। ए लो मेरा गमछा और ढाक लो अपने आप को। यू बड़ी सर्वेंट आपको बुला रही है। यू चलिए बाबू जी, तुम इन्हें लेके नहीं जा सकती। ये नाजुक शहरी कलाइयां संभाल के रख, इन्हें जुल्फे सवारने के अलावा कोई और तकलीफ दी तो तोड़ के तेरे पति के हाथ में दे दूंगी, समझी? चलिए बाबूजी। इसलिए मैं बोल रहा था, पंगा मत लो, पंगा मत लो, उल्टे जूते पड़ गए ना। शट अप यू सर्वेंट। यस मैडम। यू कमरे से बाहर निकाल कर सही नहीं किया। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। हाँ, जब अपने लालच के लिए घर के बुजुर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। बहू चिल्ला मत। अरे पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। ओह, हम इंसान नहीं, जानवर है। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट जाते? शुक्र करो बहू, आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी माँ कितनी लालची और खुदगर्ज है। एक शब्द भी तुमने मेरी माँ के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ कैसी औरत है, उसे तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया, गवार बनाए रखा ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके। तुम्हारी माँ को तुमसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार है राजू, सिर्फ तुम्हारी दौलत से। जिस माँ की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं, एक डायन है, डायन। क्या बोला तूने? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। तूने मेरी माँ को डायन बोला? हाँ, तूने मेरी माँ को डायन बोला? राजू नहीं बोला, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे, तुझे डायन मेरी कसम है, छोड़ दे। देखा, देखा मेरी माँ का बड़प्पन, जिसे तुमने इतना बुरा भला कहा उसी ने आज तुझे बचा लिया, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर मेरी एक बात याद रखना सुरु, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी वक्त मेरी माँ के पैर छूकर उसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैं भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ सच बोलने की सजा ये मिलती है। वाह वाह, क्या औरत है बहना, देखी इसकी अकड़, इसने तो अपने पति का भी लिहाज नहीं किया। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है। ले ले।
जब से मैं इस घर में आई हूँ यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, जिसे आज तक कोई नहीं बदल सका। फिर तू क्या चीज है? इसीलिए मेरी एक सलाह याद रखना कि इस घर में खाना खाने के सिवाय कभी मुंह मत खोलना, वरना तेरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा पत्थर करके रख दूंगी। मैं भी अपने सुहाग की कसम खाती हूँ कि इस घर में हो रहे अन्याय को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी।